जलंधर के जंजीर में जहां अभी कुछ समय पहले ही सॉलिड बेसमेंट प्रोजेक्ट से लोगों को निजात मिली, वहीं अब यह इलाका एक नई समस्या का सामना कर रहा है। पंजाब में जहां जीएसटी के चलते चमड़ा व्यापारियों ने पशुओं की खाल उठाने से मना कर दिया, वहीं जमशेर इलाके में पड़ती डेयरियों से मरे हुए पशु मालिकों ने वहीं फेंकने शुरू कर दिए। जलंधर के जमशेर इलाके के पास ये मरे हुए पशु इस बात का सबूत है कि यहां से अब इन्हें उठाकर उनके खाल बाजार में बेचने वाले अब इन्हें नहीं उठा रहे। वहीं इसके चलते अब यहां के आसपास के इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इन डेयरियों के मालिकों का कहना है कि उनके पास इस बात का कोई हल नहीं है, क्योंकि जो लोग यहां से इन मरे हुए जानवरों को उठाकर उनकी खाल उतारते हैं वो जीएसटी के चलते हड़ताल पर है और कई दिनों से यहां से चमड़ा नहीं उठाया जा रहा। एक तरफ यहां चमड़ा व्यापारी अपने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं इनकी मजबूरी है कि वह इन्हें इस जगह के अलावा और कहीं नहीं फेंक सकते। उनके अनुसार अगर ऐसे ही हालात रहे तो यहाँ महामारी फैलने का खतरा है, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जलंधर। ओ असी फलौर दे विच आरंभिया आ, जिस दे विच सारियां मार्केटां बूटा मंडी जलंधर अमृतसर मलेरकोटला फलौर सारे मिल के उत्थे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। असी सरकार नूं फिर एक बारी बेनती करदे हां कि इक नूं वापस लिया जावे। असी तां सरकार को यह चाहते हैं कि जिहड़ा इन्हें सेल और परचेज और सेल ते लाया टैक्स, क्योंकि साढ़े जिहड़े लोग गरीब लोग जिहड़े पिंडां विच आउंदे आ, बहुत अनपढ़ लोग आ, उन्हां दा कोई सहन करने नहीं आते। वह बेचारे कच्चा चमड़ा लैके आते, दो दो पशु चकते आ, मरे पशु चकते आ, उन्हां नूं साठ ला के साढ़े को लैके आते आ। ठीक है जी, असीं कहिंदे आ भी जिहड़ा सेल और परचेज ते साढ़े टैक्स लाया गया आ, ये तो टैक्स बिल्कुल ना लाया जाए। हाँ, जो असीं चमड़ा बाहर भेजते हैं इंडस्ट्रियल नूं, वो तो असीं टैक्स दे रहे हैं इन्हां नूं, वह 5% टैक्स दिंदे आ, वह भी अगे भी दिंदे आ असीं, जो प्रोसैसिंग होंगी उसे टैक्स दे रहे हैं। कच्चे ते और परचेज ते साडा टैक्स नहीं लाने, कच्चे चमड़े दा टैक्स बिल्कुल माफ होना चाहिए है। ये जी जो सरकार ने जीएसटी लागू की है, वो करके जो लोग ने साडे छोटे भाई पशुओं मुर्दियां चुकते सी, वो इस तरह तो सब तो बहुत घटिया जहा काम है, वह भी छड़ के बस तैयार छड़ दिता उन्होंने, क्योंकि इन्हों जी एस टी लाने नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा दायरा है। जो अपना समझ लो हम फलशा वाले उन्होंने जी एस टी लाना यह गवर्नमेंट का कोई अच्छा काम नहीं है। इन्हों कोई बंदा आम बंदा काम करने वास्ते तैयार नहीं है, जोड़े लोग बेचारे औखे हो रोटी पेट की खातर किस तरह करते काम यह, तो वो सानू खतरा है कि जे यही आ रहा तो महामारी फैल जाएगी। पशु तो बहुत ज्यादा मारे आने टाइम टाइम च, बंदे भी ना मरन, जो हाल चलन डेया इतने इस वक्त बदबू पे इन्नी फैली हुई है कि वो उतो लंघना बहुत मुश्किल हो गया। जी एस टी बारे हो रहा सब कुछ, जी एस टी लगन करके पशु चुकते नहीं गए, इन्हें जे जिन्हें पशु मरन डे आ महामारी फैल सकती है, महामारी इन्नी फलक बंदे इन्ने इतने बंद बीमार हो गए, अभी कितने जावे। नंबर तीन, जी एस टी करके माल चक्या नहीं जा रहा, वो बंदे चुकते नहीं गए, कहते भी 28% 5% एक्सट्रा 33% कहते बंद सू जुर्माना पेगा, जो अं चकते हैं सू 20-30 हज़ार रुपये जुर्माना रखा है, असं माल नहीं चकेंगे, साढ़े डंगर भी बीमार हो, बंदे भी बीमार होने लग गए, साडा हल किया जाए कोई नहीं।